अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस, आज की रेसिपी है फ़िश के अंडे मसालेदार। मैंने अच्छे से फ्राई किया है, यानी फ़िश एक मसाला, फ़िश एक फ्राई। तो इसे आप दोनों में से कौन सा भी नाम दे सकते हैं, चाहे मछली के अंडे फ्राई कर बोल सकते हैं, या आप स्पाइसी फ़िश एग फ्राई बोल सकते हैं। इतने टेस्टी, इतने मॉट वाटरिंग, ये स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। चलिए इसकी इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 300 ग्राम मछली के अंडे लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैं थोड़ा नमक डालकर। अब इसमें हल्दी डालूँगी आधा टीस्पून, और नमक डालूँगी स्वाद अनुसार आधा टीस्पून, क्योंकि आगे भी हमें नमक लगता है, आपको बाद में बताऊँगी, पूरा वीडियो देखिएगा। और अब मिर्च डालूंगी मैं हाफ टी स्पून, इसे थोड़ी देर हम मैरिनेट कर कर रख देंगे। तब तक हम दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इस तरह से अच्छे से धोना है इसे, नमक के पानी से धो दीजिए या नींबू के पानी से धो दीजिए। तो मैंने नमक से इसे धोया है, और इसे अब इस तरह के बस हम नमक, मिर्च, हल्दी। अब एक बर्तन ले लेते हैं, एक कढ़ाई लीजिए या इस तरह का वेजल लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, इसमें मैंने 150 ग्राम ऑयल इस्तेमाल किया है, कुकिंग ऑयल। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें मैंने 2 से 3 लौंग डाला है, और 4 से 5 काली मिर्च के दाने डाला है, क्योंकि मैं स्पाइसी बना रही हूँ। दालचीनी का एक टुकड़ा, शाही ज़ीरा एक पिंच लिया है, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। तो चलिए, हम इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक चॉप करी हुई प्याज, बड़ा साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है। और इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, 2 मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, हाफ हाफ करके मैंने इस तरह से चीरा लगा कर इसे हाफ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाएंगे, यानी भुनेंगे थोड़ा, ये अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें पूरा भुनना नहीं है, यानी हमें ब्राउन करना नहीं है मसाले को। हल्का सा पिंक कलर हो चुका है, इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डालना ज़रूरी है गाइस, आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी, मिर्च आप तेज़ या कम खाते हैं तो, आप स्पाइसी है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च भी है इसमें और मिर्च भी है, अगर आपको कम लगती है तो आप कम भी डाल सकते हैं। मैंने ज़रा स्पाइसी बनाया है अच्छा सा। और ये है धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून डाली हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ी हीट होती है फिश के अंडों में, तो वो हमें हीट ना लगे। और हमारे पास बहुत बारिश का मौसम है, तो उसमें ये गर्मा गर्म स्नैक्स हमने बना कर खाया है, इस तरह की मसालेदार। अब इसमें हम अच्छे से चलाने के बाद इसमें टमाटर और हरा धनिया ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिया है, इसे अच्छे से हम चलाते हुए भूनते हुए आधा भूनना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छे से भूनिए। अब ये नमक पूरा बराबर हो चुका है, अभी हमें नमक इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग मुझे 1 टेबल स्पून नमक लगा है इसमें, आपके स्वाद अनुसार नमक लीजिए। तो इसे अच्छे से हम थोड़ा सा चलाएँगे, थोड़ी सी कच्ची मिल जाने तक, इसे कच्चा पक्का ही रखना है टमाटर को। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला लगा कर रखा था फिश के अंडों को, इसमें हम ऐड कर देंगे इस तरह से। तो चलिए, अब इसे हम अच्छे से चलाते हुए, ये खुले में ही पक जाएगा, इसे टाइम नहीं लगता है, इसलिए तो ये बहुत झटपट बनने वाली अच्छी सी रेसिपी है। अब इसे हम इस तरह से भूनते हुए करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, इस तरह से आप अच्छे से फ्राई होने दीजिए, कंटिन्यू चलाइए गाइस मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर अगर ये जल जाएंगे तो। इसी तरह से हम भूनते भूनते इसे पकाते हैं, और ये झटपट पक जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है। जैसा फिश हम बनाते हैं उसी तरह से, अंडे तो और डेलिकेट होते हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब इसे ड्राई करना है इसी तरह से चलाते हुए। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डाली हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है इसकी वजह से। तो चलिए, अब इसे मसालों के साथ अच्छे से हम फ्राई करेंगे इस तरह से। तो इतना टेस्टी बना था गाइस, मैं क्या बताऊँ।
आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बनाइए और खाइए, खिलाइए अपने बच्चों को, तो बहुत अच्छा सेहतमंद हो जाएंगे बच्चे। ये बहुत सेहत से भरपूर है ये चीज़, तो आप ज़रूर खिलाइए। फ़िश तो बहुत खाए होंगे आप, इस तरह की ये चीज़ भी बनाकर खिलाइए अपने बच्चों को, थोड़ी सी आदत डालिएगा। ये स्नैक्स के तौर पे हम खाते हैं, आप रोटी या चावल के साथ भी साइड डिश में रख के खा सकते हैं, या स्पेशल डिश बनाकर भी खा सकते हैं। तो बारिश के दिन चल रहे हैं तो गर्मा गर्म इस तरह से बनाइए गाइस। जिस किसी भी मेरे रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, मेरे सारे रेसिपीज़ आप देख सकते हैं और इतने अच्छे रेसिपीज़ मैंने बनाई हूँ, तो ये भी रेसिपीज़ उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आएंगी। इसके सभी पसंद आए तो प्लीज़ गुड कमेंट्स। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये ड्राई हो चुके हैं और आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा ये बनकर रेडी हो गया, कितना झटपट बनने वाली और इतनी टेस्टी, मसालेदार के पूछिए मत। तो हमारे फिश एग फ्राई बनकर मसालेदार रेडी हो चुका है, तो स्पाइसी फिश एग फ्राई इट्स कम्प्लीट। चलिए हम स्टोव ऑफ करते हैं और इसे हम डिश आउट करते हैं। तो देखिए कितना झटपट ये बनकर रेडी हो चुका है, तो खाने में भी इतना ही टेस्टी था गाइस। इसमें हम गर्मा गर्म ये निकालेंगे और नींबू के साथ इसे सर्व करेंगे, तो इसे हम नींबू निचोड़ निचोड़ कर खाए हैं मेरे बच्चे। तो ये 5 मिनट में ख़त्म हो चुकी है ये डिश मेरे घर पर। तो इस तरह से हम डिश आउट करते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इतनी टेस्टी और यमी रेसिपी झटपट बनने वाली। तो आपको कैसे लगी है ज़रूर मुझे गुड कमेंट्स कर बताइए। थोड़ा हमने हरा धनिया और लेमन के साथ इसे गार्निश कर लिया है, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलिए गाइस ज़रूर मुझे गुड कमेंट्स करना। चलती हूँ, खाइए खिलाइए अपने परिवार को, खुश रखिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, बाय। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।